बात शरद यादव की। कांवड़ियों पर शरद यादव के विवादित बयान पर बवाल शुरू हो चुका है। संत समाज ने राज्यसभा सांसद शरद यादव के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। शरद यादव ने कहा था कि बेरोजगारी की वजह से ही कांवड़ियों की संख्या बढ़ी है। कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवड़िए बड़े पैमाने पर निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो सावन के त्योहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नजारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं। और अगर ऐसा ये लोग करते हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों की आस्था और श्रद्धा का मखौल उड़ाते हैं, ऐसे के राजनेताओं की जीभ काट लेना चाहिए। शरद यादव के इस बयान का खुलकर विरोध हो रहा है। संत समाज के साथ कांवड़िए भी उनके बयान से बहुत नाराज है। हर साल सावन के महीने में होती है कांवड़ यात्रा। पवित्र गंगा जल से शिव को स्नान कराते हैं कांवड़िए। मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शंकर ने विषपान किया था। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोस्ती के लायक नहीं। इंदौर में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। मोहन भागवत ने कहा है कि पाकिस्तान दोस्ती लायक नहीं है, क्योंकि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे दोस्ती ना हो सके। ऐसा हमारा पड़ोसी ऐसा बता रहा है, बन गए अलग, ठीक है बन गए, हम मदद करने के लिए तैयार है, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, नहीं बार बार दोस्ती का आगे करते हैं तो हम आगे न कर सके इसी दोस्ती का। मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान इस्लामाबाद में हुए सार्क देशों की मीटिंग का भी जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कारगिल हुआ। जब पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर गए तो पठानकोट हमला हुआ। सीमा पार से लगातार हो रही है घुसपैठ, आतंकवाद फैलाने की कोशिश। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अपमानजनक व्यवहार करने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए नई चाल चली है। पाक पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने इंटरनेशनल एनजीओ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से कश्मीर में तत्काल मेडिकल सुविधा मुहैया कराए जाने की अपील की है। अजीज ने कहा कि भारतीय फौजों की आक्रामकता के कारण कश्मीर में हजारों लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें वहां मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। सहायता के लिए आतंकियों को कश्मीर भेजने की साजिश। हाफिज सईद ने भी मेडिकल टीम भेजने के लिए मांगा था वीजा। राहत सामग्री लेकर सीमा पर धरने पर बैठा है हाफिज का बेटा। उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पीओके के मीरपुर में लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग यहां मिलिट्री कोर्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से आजिज आ चुके हैं, यही वजह है सेना के खिलाफ उनका प्रदर्शन चलता रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनावों को लेकर भी पीओके में प्रदर्शन किया गया था। लोगों को उसने 70 साल में एक गिलास पीने का साफ पानी नहीं दिया, उससे हम क्या तो कर सकते हैं कि वो हमारी आजादी और मुख्तारी के लिए हमारे साथ तावन करेगा। पाकिस्तानी सेना पीओके में हमेशा करती है अत्याचार। विधानसभा चुनावों में भी पाक सेना ने जबरन डलवाए थे वोट। वोट नहीं डालने पर पाकिस्तानी सेना ने लोगों की पिटाई की थी। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन को भारत की मदद की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्री 12 अगस्त को 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान चीन की कोशिश होगी कि वो सितंबर महीने में होने वाले G20 सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर के विवादित मुद्दे को उठाने वाले देशों के साथ शामिल होने से पीएम को रोक सके। हाल ही में दक्षिण चीन सागर पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल पर फैसला आया है, जिसके बाद से चीन विवादों में घिर गया है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर खारिज किया था चीन का दावा। ट्रिब्यूनल के फैसले को भी चुनौती दे रहा है चीन। दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है चीन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 27 अगस्त को बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बीजेपी ने जीएसटी पर राज्यों की सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 27 अगस्त को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है।
वहीं 23 अगस्त को सभी राज्यों के सांगठनिक कोर समूहों की बैठक होगी। लोकसभा से पास होने के बाद जीएसटी पर 29 में से 15 राज्यों की सहमति होना जरूरी है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही कवायद शुरू कर दी है। बैठक में अमित शाह करेंगे जीएसटी पर आम राय बनाने की कोशिश। जीएसटी के लिए 29 में से 15 राज्यों की मंजूरी की जरूरत। राज्यों में संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। उधर झांसी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। दो बार टलने के बाद आखिरकार यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आखिरकार झांसी में शुरू हो गई। ये बैठक दो दिन तक चलेगी। इस बैठक में यूपी बीजेपी के 73 सांसद और देश भर से करीब 610 मेहमान शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में 7 अगस्त को पहुंचेंगे। इस बैठक में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के मंत्र दिए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की पहली बैठक। राजनीतिक और कृषि संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा। सूबे में बढ़ रहे अपराध घोटाले कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जाएगा। बूथों को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। उधर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी नेताओं की जमकर क्लास लगाई और उन्हें तल्ख नसीहत भी दे डाली। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर मुलायम सिंह यादव तल्ख तेवर में नजर आए। नेताओं और कार्यकर्ताओं से तल्ख लहजे में कहा गया कि अगर जमीन पर कब्जा करते रहोगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी नसीहतें दी। क्या सरकार बनाओगे? तुम्हारा बना लो, अपनी कमियां दूर कर लोगे? हाँ, नीचे करिए, बहुत सी कमियां हैं वो दूर कर लोगे? जमीनों पर कब्जा करना बंद कर दोगे? कई जगह जमीनों पर कब्जा है। स्पष्ट है कि यह सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी गलत कहती थी, सरकार के पिताजी ही गलत कह रहे हैं, लेकिन पुत्र मोह के कारण अखिलेश यादव जी को अभी भी कुर्सी से नहीं हटा रहे हैं। लेकिन अगर मुलायम सिंह जी नहीं हटाएंगे तो जनता उनको जरूर हटाएगी। मंच पर हमेशा टीचर के रूप में नजर आते हैं मुलायम सिंह यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को कई बार नसीहतें दे चुके हैं सपा सुप्रीमो। मुलायम सिंह की नसीहतों का सपा नेताओं पर नहीं हो रहा असर। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की फटकार के बाद भी सपा नेताओं की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां सपा जिलाध्यक्ष की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंग सपा जिलाध्यक्ष ने महिला जिलाधिकारी को उनके ही चैम्बर में अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। जिलाध्यक्ष तनवीर खां अपने किसी काम से जिलाधिकारी के पास गए थे, लेकिन जब किसी वजह से जिलाधिकारी ने काम करने से मना कर दिया तो फिर क्या था। जिलाध्यक्ष को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने देख लेने की धमकी दे डाली। सपा जिलाध्यक्ष ने महिला जिलाधिकारी को दी धमकी। गलत काम के लिए मना करने पर अंजाम भुगतने की कही बात। इससे पहले भी पिछले डीएम विजय किरण आनंद से हुआ था विवाद। विजय रूपानी कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपानी गुजरात के सीएम की कमान संभालेंगे। उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय रूपानी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री होंगे। विरोधियों ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। लोग इसे पटेल विरोधी कदम बता रहे हैं। आखिरी वक्त में विजय रूपानी के नाम पर लगी मोहर। मोदी और संघ के दखल के बाद तय हुआ विजय रूपानी का नाम। अमित शाह और आनंदीबेन पटेल में हुई थी बहस। पीएम मोदी आज दिल्ली के टाउन हॉल में जनता से सीधा संवाद करेंगे। MyGOV.in के 2 साल पूरे होने पर जश्न टाउन हॉल में होगा। टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद MyGov वेब पोर्टल पर अपने सुझाव, शिकायत और टिप्पणियां करने वालों से मन की बात की तर्ज पर सीधी बातचीत करेंगे। इसमें देश भर से आए 2000 लोग शिरकत करेंगे। वहीं कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे। 2014 में पीएम ने दिया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का सूत्र।
दो साल में वेब पोर्टल से 30,50,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े। ट्विटर पर करीब 4.25 लोग mygov.in को करते हैं फॉलो। उधर भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी के पास लैंडस्लाइड होने से बड़ा हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बरसात के बाद वैष्णो देवी के पास हटकुमारी में चट्टान खिसकने से 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 6 श्रद्धालु जख्मी हो गए हैं। फ्लाइट थी जो कि अचानक आ गई, उसकी वजह से यह हादसा हुआ और लोगों को हम जो रास्ते में जाते हैं उनको हम पूरी हिदायत देते हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम हो सकते हैं उसको किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से हो रही है बरसात, बारिश की वजह से अटकुमारी गुफा के पास लैंडस्लाइड। वैष्णो देवी मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है हादसे वाली जगह। उधर असम के कोकराझार में हमले के बाद से सन्नाटा फैला हुआ है। असम के कोकराझार में ग्रेनेड से हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है। हमले के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। गली में दुकानें वैसी ही हैं, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया। हमलावरों ने यहां सब्जी और राशन की दुकान लगाने वालों पर फायरिंग शुरू कर दी थी और फिर ग्रेनेड से हमला किया गया था। चश्मदीदों की माने तो हमलावर सेना की वर्दी में थे। असम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला हमला। हमले के पीछे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का हाथ। घटनास्थल से AK-56 राइफल हथगोले भी बरामद। राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी गौशाला में पिछले 10 दिनों में 200 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। मामले में गौशाला के कमिश्नर को हटा दिया गया है। गौशाला जयपुर के हिंगोनिया में बनी हुई है। 200 गायों की मौत के बाद राजस्थान कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले के प्रति अपनी नाराजगी जताई। अदालत ने IG दिनेश को फौरन हिंगोनिया जाकर हालात का मुआयना करने के आदेश दिए। अदालत ने गायों की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक साथ इतनी गायों की मौत होना निगम की लापरवाही को बताता है। गौशाला खोलना जिसमें ना जानवर निकल सकते हैं, अगर अपने आप निकल सकते थे तो वो खाना अपने आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपने जबरदस्ती उनको बंद किया है और फिर जब जबरदस्ती बंद किया तो फिर आपकी जिम्मेदारी उनको खिलाना। नगर निगम की लापरवाही ने ली 200 से अधिक गायों की जान। यह गौशाला जयपुर नगर निगम के द्वारा संचालित होती है। कुछ बीमारी से और तो कुछ भूख से मर गई गायें। सैलरी नहीं मिलने से निगम के कर्मचारी हड़ताल पर। उज्जैन में मदरसों ने हिंदू संस्थाओं से मिड डे मील लेने से इनकार कर दिया है। उज्जैन में 39 मदरसों ने मिड डे मील के तहत खाना लेने से इनकार कर दिया है। इन मदरसों को साल 2010 से इस्कॉन मंदिर से खाना पहुंचाया जा रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों का मानना है कि इस्कॉन मंदिर में खाना बनाने के बाद पहले भोग लगाया जाता है। अभी 1 अगस्त से नगर पंचायत जिला पंचायत ने निर्णय लिया कि किसी अन्य एजेंसी से खाना बन के आएगा, तो हमने पालकों को बुलाया, उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा अगर आप आपके संस्थाओं में बना हुआ खाना अगर देते हैं तो हमारे बच्चों को खिलाइए, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप एक काम कीजिए हमारे बच्चों को दाखिला निकाल दीजिए। इस्कॉन से जुड़े ट्रस्ट का करार जुलाई में खत्म हो गया था, जिसके बाद से अब BRK फूड्स और माँ पार्वती फूड्स से मील की सप्लाई हो रही है। उज्जैन के 56 मदरसों ने खाना लेने से मना किया। शहर के करीब 350 स्कूल्स में खाना पहुंचाता है BRK फूड्स। आस्था में टकराव की वजह से मदरसा प्रशासन का फैसला। उधर मैनपुरी के थाना घिरोर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 युवकों की तालाब में डूबकर मौत मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। चेकिंग के दौरान 2 युवकों दिलीप यादव और पंकज यादव की तालाब में डूबकर मौत हो गई। दरअसल घिरोर थाना क्षेत्र में मैनपुरी रोड पर ट्रैक्टर से ईंट लेकर आ रहे 2 लोगों को पुलिस ने वसूली के लिए रोका। ट्रैक्टर बैरियर में टकरा गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने दोनों युवकों को दौड़ा दिया, जिसके चलते पुलिस से बचने के लिए युवक तालाब में कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। वहाँ पर पुलिस कर्मी थे जिनके खिलाफ FIR दी जा रही है, उन्होंने मृतकों को मारा पीटा है और उसके बाद उनकी बॉडी ले जाकर उन्होंने तालाब में डाल दी है, तो इसके आधार पर उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है। पुलिस की लापरवाही ने ली 2 युवकों की जान। चेकिंग के नाम पर पुलिस ने दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की पिटाई से बचने के लिए तालाब में कूदे युवक।
बरेली के एक मंदिर में दलितों के आने पर पाबंदी और सवर्ण समाज के लोग इसे अपनी पुरानी परंपरा बताते हैं। भले ही आज हम चांद पर पहुंच गए हों, विकास के रास्तों पर नए आयाम को छू रही हों, लेकिन आज भी हमारे देश में ऊंच नीच जात पात की खाई गहरी है। मामला बरेली का है, जहां 40 साल से आज तक दलित समाज के लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया है। देखो, कुछ प्रक्रियागत कारणों से वो ले नहीं जाना चाह रहे थे। जो उसका एक चार्ज होता है, वो पैसा जमा किया जाता है जिसको वापस किया जाता है। बाद में उन लोगों ने उसकी प्रक्रिया, जो एक सांस्कारिक प्रक्रिया होती है, उसको अनुपालन करने के आधार पे उसको भी साथ में लेके गए हैं। दलितों के लिए भगवान के दरवाजे किए गए बंद। 40 साल से दलितों को नहीं मिल रही मंदिर में एंट्री। पूर्वजों की परंपरा के नाम पर बांटा जा रहा है समाज। सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने मिलावटी दूधों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करें। कोर्ट ने दूध में मिलावट और नकली दूध बनाए जाने को बेहद गंभीर मसला बताया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपने यहाँ तमाम डेयरी वालों को इस बात की चेतावनी दे कि दूध में मिलावट करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर दूध में केमिकल या कोई अवांछित पदार्थ मिला तो डेयरी के साथ ही दूध की बिक्री करने वाले खुदरा दुकानदार पर भी कार्रवाई होगी। त्योहारों के समय सख्ती से जांच करने के आदेश। खाद्य विभाग के अधिकारी मोबाइल टेस्टिंग वैन के साथ मौके पर पहुंचे और जांच करें। राष्ट्रीय स्तर पर FSSAI करे मिलावटी और नकली दूध की जांच। राज्यों में पर्याप्त संख्या में हो नकली दूधों की जांच वाली लैब। अंबेडकर नगर में मानव संवेदनाओं को झकझोर देने वाले दृश्य सामने आए हैं। यहां एक परिवार भुखमरी के चलते कुपोषण का शिकार हो गया। अंबेडकर नगर टाडा तहसील में एक ऐसा परिवार है जो भुखमरी के चलते कुपोषण का शिकार हो गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक शख्स का पूरा परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गया है। 6 बच्चे और पत्नी कुपोषण के शिकार हो गए हैं। अब जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, वो भला कुपोषण का इलाज कैसे कराए। परिवार में जो है बच्चे 6 हैं और ये 2 पुरानी 8 लोग। अभी एक्चुअली मैं और सीओ साहब हम लोग स्थलीय निरीक्षण के लिए एक प्रकरण में गए थे चिंताला ग्राम में। वहाँ पे एक परिवार सडनली ऐसा नजर में आया जिसमें उसकी माँ थी और एक छोटा सा बच्चा था। रोजाना होती है 650 बच्चों की कुपोषण से मौत। 75 लाख बच्चे कम वजन वाले। 93 लाख बच्चों का कद औसत से कम है। पौष्टिक खुराक नहीं मिलने से होता है कुपोषण। कुपोषण से मृत्यु का भी है खतरा। कानपुर में सेना में भर्ती होने के लिए आए युवक शारीरिक दक्षता पास करने के लिए शक्तिवर्धक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका खुलासा युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से मिले कई नशीले इंजेक्शन से हुआ। युवक सेना में भर्ती के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और यही देखने को मिला कानपुर में। यहां चल रही सेना भर्ती में युवक अपनी दक्षता साबित करने की होड़ में शक्तिवर्धक टैबलेट इंजेक्शन का सेवन करके दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। सेना के जवानों द्वारा जब युवकों के बैग की तलाशी ली गई तो इसमें भारी संख्या में शक्तिवर्धक दवाइयां, इंजेक्शन और मल्टीविटामिन के कैप्सूल मिले हैं। हमारी टीम ने, जैसे कि आपने देखा है, कुछ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, इंजेक्शंस, टैबलेट्स और कुछ मेडिसिन जो है वो हमने रिकवर करी है। युवक दौड़ के लिए कर रहे हैं टैबलेट इंजेक्शन का प्रयोग। फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए हो रहा है फर्जीवाड़ा। सैन्य अफसरों ने मामले पर जताई गंभीर चिंता। उधर सावित्री नदी पर हुए पुल हादसे में अब तक 20 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। सावित्री नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वही रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बस का हिस्सा भी मिला है। बताया जा रहा है कि ये वही बस है जो पुल हादसे के बाद नदी की तेज धार में बह गई थी। पुल टूटने से 2 सरकारी बस समेत कुछ निजी गाड़ियां नदी के तेज बहाव में बह गई थी। वही अब रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले दायरा जहां सिर्फ 15 किलोमीटर था, अब उसे बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया है। तेज बहाव में बह गया था पुराना पुल। अंग्रेजों का बनाया हुआ पुराना पुल हुआ क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 नावें, 160 जवान तैनात।
उधर पीलीभीत के पूरनपुर एसबीआई ब्रांच पर 1.5 लाख का फ्रॉड करने का आरोप लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीलीभीत के पूरनपुर ब्रांच के खिलाफ एक ग्राहक ने मुकदमा दर्ज कराया है। ग्राहक का कहना है कि उसके साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। ब्रांच मैनेजर आरोप को निराधार बता रहा है। पुलिस भी जांच में जुट गई है। इन्होंने एक शिकायत की थी इनके एटीएम कार्ड से 1 लाख कुछ रुपए निकल गए, इसके संबंध में मुकदमा कायम है। मुकदमे की प्रतिश गंजाम एक सब इंस्पेक्टर है वो कर रहे हैं। जो जानकारी मिली हुई हुई कि लखनऊ से कहीं से पैसा निकल गया और बाकी गहनता से छानबीन करके इसमें पता लगाया। बैंक प्रबंधन पर खाते से रुपए निकालने का आरोप। हरिराम के खाते में जमा थे 1,74,000 रुपए। पासबुक में एंट्री कराने के बाद हुआ खुलासा। मोदी सरकार ने अगले 5 सालों के लिए खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य तय कर लिया है। सरकार ने अगले 5 सालों के लिए खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य 4% रखा है, जिसमें 2% तक कमी बेशी मंजूर है। इसी के हिसाब से अगले 5 सालों के दौरान तय होगा कि ब्याज दरें घटाई जाएं या बढ़ाई जाएं। इस बीच 9 अगस्त को मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर घटने के आसार नहीं के बराबर हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा के एंड पहले सरकार ने अगले 5 सालों के लिए खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य तय करने का ऐलान किया। ये लक्ष्य ऐसे समय में भी आया जब मौद्रिक नीति की समीक्षा की जिम्मेदारी गवर्नर के बजाय 6 सदस्यों वाली एक कमेटी को दी जा रही है। समझा जा रहा है कि नया लक्ष्य नई कमेटी के लिए आधार का काम करेगा और इसी के आधार पर वो नीतिगत ब्याज दरों में फेरबदल का फैसला करेगी। आरबीआई सरकार के बीच खुदरा महंगाई दर 2 से 6% रखने पर सहमति बनी थी। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.77% रही। 5 अगस्त 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 तक प्रभावी होगी नई व्यवस्था। अमेरिकी कंपनी ने भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-16 विमान के उत्पादन शुरू करने की पेशकश की है। इस बारे में कंपनी ने भारत सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि वो अमेरिका में F-16 का उत्पादन बंद कर देंगे और भारत से ही दुनिया भर में निर्यात करेंगे। कंपनी ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत लाना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया का टैगलाइन किया है। दुनिया के जाने माने लड़ाकू विमानों में से एक है F-16। अमेरिका के टेक्सास में है कंपनी का प्लांट। अमेरिका के साथ 35 देश करते हैं F-16 का इस्तेमाल। औरैया जिले के कुदरकोट कस्बे में एक मकान में 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। जब लोगों ने उस गड्ढे में अंदर जाकर देखा तो एक सुरंग नजर आने लगी। औरैया के कुदरकोट कस्बे में एक मकान कौतूहल का विषय बना हुआ है। घर के अंदर सुरंग की खबर के बाद लोगों का सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया है। हालांकि लोग अंधेरे में 30 फीट तक अंदर ही गए, लेकिन उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लोगों का कहना है कि ये वही सुरंग है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को भगाया था। घर के अंदर मिली सुरंग बनी लोगों के लिए कौतूहल का विषय। सुरंग के अंदर दिख रहे हैं 3 दरवाजे। कोई भी अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा मौके पर। लोगों का कहना है महाभारत काल की है ये सुरंग। और इसी के साथ टॉप 25 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।